हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप सबको जानकर भी अनजान क्यों बन रही हैं? क्यों सत्यता को विस्मृत कर रही हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान दिया है कि हमारा ही पुत्र उसका। हमारे ही पुत्र से क्यों प्रभु? क्या सोचकर उन्होंने मेरी ममता पर आघात किया? प्रभु ये कैसी विडंबना है, कैसा अन्याय है ये। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मेरी ममता पर तरस खाइए। मैं कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? हर पल हर क्षण मुझे अपने पुत्र की याद सताती है। जन्म लेते ही आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। मां बनकर भी मेरी गोद सुनी है प्रभु, मेरे कान मां होकर भी मैं अपने बच्चे का रुदन सुन पाते हैं, नहीं उसकी किलकारियां। मेरी बाहें उसे अपनी छाती से लगाना चाहती है लेकिन लगा नहीं सकती। मेरे होठ उसे चूमना चाहते हैं प्रभु। दूध से भरे मां के स्तन अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए व्याकुल है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी प्रभु, नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा पुत्र ला कर दीजिए। देवी पार्वती, आप सबको जानकर भी अनजान क्यों बन रही हैं? क्यों सत्यता को विस्मृत कर रही हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान दिया है कि हमारा ही पुत्र उसका। हमारे ही पुत्र से क्यों प्रभु? क्या सोचकर उन्होंने मेरी ममता पर आघात किया? प्रभु ये कैसी विडंबना है, कैसा अन्याय है ये। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मेरी ममता पर तरस खाइए। मुझे मेरा पुत्र ला कर दीजिए प्रभु, अभी इसी समय, अन्यथा मुझे प्राण रहित समझिए। तो ठीक है देवी, मैं अभी सूर्यगंगा जाकर आपके प्रिय पुत्र को लेकर आता हूं। महादेव, ये आप क्या करने जा रहे हैं महादेव? ब्रह्मदेव, देवी पार्वती चाहती है कि आप सत्य में ही भोलेनाथ हैं। देवी पार्वती ने भावनाओं में आकर कुछ कह दिया और आप मान गए। देवी पार्वती का मन तो इस समय मातृ प्रेम और पुत्र मोह में फंसा हुआ है। इनका ध्यान सृष्टि के उन सभी पुत्रों पर है ही नहीं जो तारकासुर के हाथों मारे जाएंगे। उन माताओं की व्यथा भी नहीं देख पा रही हैं कि जिनकी गोदें सूनी हो जाएंगी। परंतु परमपिता, आपने ऐसा वरदान दिया ही क्यों? मैं वरदान देता हूं तपस्वी की तपस्या पर प्रसन्न होकर, किंतु जगत कल्याण से विमुख कभी नहीं होता। देवी पार्वती, ये आप कैसे भूल रही हैं कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी होती है? क्षमा कीजिए परमपिता, किंतु मुझे अपने पुत्र को अपने से दूर रखने में कोई भलाई दिखाई नहीं देती। आप भगवान शिव को सुर गंगा जाकर हमारे पुत्र को लाने दीजिए। आप कैसी मां हैं देवी जो अपने पुत्र की सुरक्षा नहीं चाहती? कैसी मां हैं आप जो अपनी संतान का कल्याण नहीं चाहती, उसका जीवन नहीं चाहती? ये जानते हुए भी कि तारकासुर आपके पुत्र के प्राणों का शत्रु है, उसे एक बार अपहरण करने का प्रयास भी कर चुका है और
फिर प्रयास करेगा। वो प्रयास करेगा शिव पुत्र की हत्या का। नहीं, नहीं। क्या आप चाहती हैं देवी कि तारकासुर अपने प्रयास में सफल हो? क्या आप अपने पुत्र की मृत्यु चाहती हैं? नहीं, 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 नहीं। देवी,